तो गाइस बीबीएस का सबसे जो इम्पॉर्टेंट रोल है पहले उसका इम्पॉर्टेंस समझ लेते हैं, क्योंकि कंपोनेंट्स आपने भी साइट विजिट किया होगा, कंपोनेंट्स आप भी देखे होंगे, आज उसके टेक्निकल पार्ट में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बीबीएस करना ज़रूरी क्यों है इसकी इसके बारे में पहले थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो गाइस आइए चलते चलते बात करते ताकि मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखा पाऊँ। तो गाइस जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है इस चीज़ में वो ये रहता है कि आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है वेस्टेज को कम करना है। अगर आपके पास बार के बारे में एक एक प्रॉपर डिटेल है, प्रॉपर जानकारी है साइट से रिलेटेड कि ड्राइंग्स को कैसे पढ़ते हैं, बार की सेविंग कैसे की जाती है, तो उसमें वेस्टेज रोकना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वेस्टेज को किस तरह से रोका जाएगा, जाके रखना होता है। तो हम कंटिन्यूसली आज पूरा दिन साइट पर रहने वाले हैं, आज पूरा साइट में विजिट करने वाले हैं। वीडियो गाइज ऑब्वियसली बहुत लंबा होने तो ज़रूर वाला है, लेकिन होपफुली आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि इसमें मैं आपको एंड तक सारी चीज़ें बार की कटिंग करवाने से लेकर ड्राइंग को रीड करवाना और हर एक कंपोनेंट के बारे में हम पूरा प्रॉपरली जानने वाले हैं। तो आइए चलते चलते हम देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट कि बीबीएस को अगर आपको उसके अच्छे एडवांस पार्ट में करना है तो उसको किस तरह से किया जा सकता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपने एक बार कैलकुलेशन सीख लिया, क्योंकि कैलकुलेशन जो हमारा फर्स्ट और बेसिक स्टेप है वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैलकुलेशन के बाद जो पार्ट आता है वो आता है हमारा मेन उसका एक्सेल रिपोर्ट बनाना, कि आपने कैलकुलेशन सीख लिया लेकिन अगर आपको एडवांस बनना है, आपको ग्रो करना है, तो एक्सेल का पार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर ड्राइंग्स है, मैं आपको थोड़ा सा ड्राइंग रीड करवाता हूँ। जैसे कि ये हमारे पास आप देख सकते हैं हमारे पास स्लैब का प्रॉपरली ड्राइंग है यहाँ पर, क्लियर। ये हमारा स्टेयर केस और छज्जे का ड्राइंग है, ये हमारा बीम की ड्राइंग्स है। इन ड्राइंग्स को प्रॉपरली सबसे पहले रीड करना होता है आपको। इनको जब आप एक बार अच्छे से प्रॉपरली रीड कर लेते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है इसको कटिंग करवाने का, क्लियर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आइए मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ देखिए ये हमारा जहाँ पर बार्स कट होकर रखी हुई है प्रॉपरली शेप में, ये यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फुटिंग के लिए जो हमारी मैश लगने वाली है फुटिंग की, उसके लिए यहाँ पर बार्स को काट के रखा हुआ है, और ये कॉलम के लिए स्टीरअप्स का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा स्टीरअप कट के लगी हुई है ना। स्टीरअप की स्पेसिफिकेशंस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये टू लेग्ड स्टीरअप है, 2LGST। जब सिंगल स्टीरअप होती है तो इसे हम टू लेग्ड स्टीरअप कहते हैं। देखिएगा टू लेग क्यों, देखिए इसके दो हुक बन रहे हैं, क्लियर, दो हुक बन रहे हैं। इसके एक लेग ये, एक लेग ये, टू लेग स्टीरअप हो गया हमारा, क्लियर। अब देखते हैं कि जब स्टीरअप की कटिंग लेंथ निकालते हैं तो उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं। तो स्टीरअप की कटिंग लेंथ निकालने के लिए जो हमारा IS कोड में फॉर्मूला है, IS कोड 2502 में जो हमारा फॉर्मूला दिया गया है वो है इसके सेंटर पार्ट से हमें कैलकुलेट करना होता है। इसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालना होता है। अगर आपको पूरी डिटेल एग्जैक्टली कैसे इसकी कटिंग लेंथ निकालते हैं और कैसे सारी चीज़ें इससे कैलकुलेट की जाती है तो बिल्कुल आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, www.civilguruji.com। उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ये सारी चीज़ें कैसे कैलकुलेट होती हैं, किस तरह से हमें सारी चीज़ें निकाली जाती है। 90 डिग्री यहाँ पर बेंड हुआ है हमारा, तो 90 डिग्री बेंड के लिए बेंड डिडक्शन एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा बीबीएस निकालने के लिए, कि अलग अलग एंगल्स में बार्स को बेंड किया जाता है। पहला होता है 45 डिग्री में बेंड किया जाता है, 90 डिग्री में, 135 डिग्री में, अलग अलग तरह से बेंड किया जाता है। इस बार को बेंड करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है इसको फ्रेमिंग करना। तो आइए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर जो हमारा फुटिंग के लिए मैश है यहाँ पर बन के तैयार है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फुटिंग का एक मैश रेडी है, फुटिंग का मैश तैयार है, फुटिंग में लगने वाला है। ये मैश यहाँ के फुटिंग में लगेगा। अभी हम चलते हैं फुटिंग के भी साइड को देखने के लिए कि फुटिंग में मैश किस तरह से लगता है। तो गाइस जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है फुटिंग के बारे में समझने की, कि जिसमें जितना भी स्टील लगा है, स्टील क्यों लगता है उसको अगर आपने समझ लिया तो बार के इम्पॉर्टेंस भी आप समझ जाएंगे आसानी से। स्टील इसी वजह से इस्तेमाल होता है क्योंकि उस पर जो लोड आने वाला है, जैसे कि फुटिंग में कौन सा लोड के लिए हम डिज़ाइन करते हैं, पंचिंग लोड, यानी कि पंचिंग शेयर के लिए हम डिज़ाइन करते हैं। इसी वजह से इसके अलग अलग शेप्स, अलग अलग बार के डायमेंशंस और इसके डाया स्पेसिंग उसी लोड पर डिपेंड करते हैं, कि जो पंचिंग शेयर को रजिस्ट करना है फुटिंग को, उसी के लिए ये स्टील का इस्तेमाल होता है उसमें, जिसमें कि अलग अलग डाया, अलग अलग स्पेसिंग का बार्स यूज़ होता है। तो अब हम चलते हैं इसको फुटिंग पर एग्जैक्टली साइट पर देखते हैं कि किस तरह से उसका यूज़ हुआ है। तो आइए गाइस हम डायरेक्टली चलते हैं हमारे फुटिंग के पार्ट के तरफ और देखते हैं कि किस तरह से उसका इस्तेमाल हुआ है। हम आज पूरे एक एक हर एक पार्ट में डिस्कस करेंगे प्रॉपरली, क्लियर। जैसे कि आप यहाँ साइड पर भी देख सकते हैं क्लियरली कि बीम भी हमारे सारे फ्रेम्स रेडी हैं, इन फ्रेम्स की भी स्टडी करेंगे हम प्रॉपरली, है ना। तो इन स्टडी के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाने वाली हैं कि किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं साइड पर अलग अलग चीज़ें। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्लियरली RCC स्ट्रक्चर भी लग रहे हैं प्रॉपरली, है ना।
आरसीसी स्ट्रक्चर के साथ यहाँ हमारा बीम का भी फ्रेम तैयार है, रेडी है आगे लगने के लिए। तो गाइस जैसे साइट में विजिट करते हुए और जो सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखते हैं देखते हैं, यहीं हम इंजीनियर्स को गाइड करते हैं प्रॉपरली, उनको ट्रेन करते हैं ताकि वो आगे चल के जो उनका रियल एग्जीक्यूशन पार्ट है हमारे साइट का, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्लोर पीसीसी चल रहा है, फ्लोर पीसीसी इसमें डिटेल पर आप एस्टिमेशन के बारे में जान सकते हैं हमारे थ्रू कि डिटेल में पूरे एक प्रोजेक्ट का एस्टिमेट किस तरह से किया जाता है, कैसे एस्टिमेट करना है। वहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम का रेन्फोर्समेंट भी लग के रेडी है, इसके बारे में भी हम आते हैं, पहले हम चलते आइए फुटिंग में चलते हैं और जानते हैं उसके बारे में डिटेल्स। तो गाइस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा कीचड़ है तो हम थोड़ा सा बच के जाते हैं। होपफुली मैं हमारे कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा दूर से होके ले लें ताकि उनके शूज़ ना ख़राब हो जाएं। ओके गाइस तो आइए थोड़ा सा, राहुल सर आप थोड़ा सा पास आइए। तो गाइस सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं अभी फुटिंग के मैश की, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सबसे पहले हमको लगाना होता है जैसा हमारा पीसीसी बेड तैयार हो जाता है, तो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा कवर। क्लियर, हमको फुटिंग की जाली बिछाने से पहले हमको क्या चाहिए, कवर, जो कि फुटिंग के लिए कवर कितना होता है हमारा 50 mm हम कवर लेते हैं मिनिमम फुटिंग के लिए। तो अब यहाँ देख सकते हैं हमारा कवर आया, कवर के ऊपर ये देखिए मैश रखा है, क्लियर, फुटिंग मैश रखा है यहाँ पर, फुटिंग मैश ये हमारा डबल जाली है, क्लियर, जैसे नीचे से भी है सेम सिमिलरली ऊपर से भी है। फुटिंग का मैश का BBS निकालना वेरी इजी, बहुत आसान है, अगर आप एक बार ड्राइंग पढ़ लेते हैं आसानी से तो आपको आगे के पार्ट्स कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो यहाँ पर हमारा मैश लगा है फुटिंग का, क्लियर, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो एक्सिस पे बार लगे, क्लियर, अगर हम बात करते हैं इस ये वाले एक्सिस को एक्स एक्सिस की बात करते हैं, ठीक है, और वाले एक्सिस को वाई एक्सिस की बात करते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बार लगा हुआ है, अगर इसकी कटिंग लेंथ निकालनी है तो बहुत आसान है, हमें केवल क्या करना है जो फुटिंग का एग्जैक्ट साइज़ है, क्लियर, फुटिंग का एग्जैक्ट साइज़ है, उस साइड से दोनों साइड से कवर को हमको डिडक्ट करना है, प्लस हम क्या करेंगे दोनों साइड से ये एल ये जो बैंड है इसकी लेंथ को ऐड कर देंगे और माइनस बैंड डिडक्शन। जब ये सारी चीज़ें करते हैं तो हम साइड में आसानी से निकाल सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा और क्लोजअप दिखाना चाहूँगा, राहुल जी आप आ जाइए थोड़ा हमारे व्यूअर्स को और दिखाएं क्लोज से, कि देखिए गाइस जब मैं आपको दिखा रहा हूँ आप यहाँ देख सकते हैं ये, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए अलग अलग स्पेसिंग में हमारे बार लगे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपरली जो ये वाले एक्सिस में बार लगे हैं गाइस, ये देखिए इनकी स्पेसिंग अलग है, क्लियर, यहाँ पर स्पेसिंग अलग है प्रॉपरली, और जो हमारे एक्स एक्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग बार लगे हैं यहाँ पर स्पेसिंग अलग है, क्लियर, यहाँ पर ये हमारा 12 mm का बार यूज़ हुआ है यहाँ पर फुटिंग में क्लियरली। अगर आपको पढ़ना है कि बार का डाया कितना है, अगर आपको स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन होता है कि बार का डाया किस तरह से पढ़ा जाता है, तो आइए मैं थोड़ा सा और एक क्लोजअप दिखा देता हूँ। हाँ राहुल जी यहाँ पर लाएंगे थोड़ा हमारे व्यूअर्स को दिखाएं गाइस, तो जो हमारा बार है उसमें आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर उसका क्या प्रॉपरली उसके डाया क्या है और उसका ग्रेड क्या है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है क्लियरली, आप वहाँ पर देख सकते हैं कि वहाँ पर उसका डाटा लिखा है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्लियर Fe 500 यूज़ हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे कॉलम के रेनफोर्समेंट की, कि जो कॉलम का रेनफोर्समेंट है ना उस पर किस तरह से यूज़ होता है, जो हमारा फुटिंग का मैश है फुटिंग के मैश के ऊपर जो हमारा कॉलम का जाली है आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपरली, यहाँ पर पास में देख सकते हैं ये जो लेग है जो हमारे कॉलम के लेग हैं ये पूरे फुटिंग के मैश पर आए हुए हैं प्रॉपरली, कॉलम के लेग और फुटिंग के मैश पर वो रेस्ट कर रहे हैं आके, क्लियर, रेस्ट कर रहे हैं प्रॉपरली आके, उस पर रेस्ट करके पूरा ऊपर जा रहा है हमारा कॉलम, क्लियर। अब बात करते हैं कॉलम पे जो स्टीरअप लगा है ना, स्टीरअप जो कॉलम पर लगा है वो किस तरह से लगा है उसके बारे में देख लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर लेग स्टीरअप का केस आया है, मैं आपको दिखाऊँ ये जो स्टीरअप है यहाँ से ये वहाँ पर जाकर बाइंड हुआ है, उसके बाद उस तरफ से और एक स्टीरअप आकर यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये एक ही पोजीशन पर दो स्टीरअप लगे हुए हैं, ये दो स्टीरअप को हम यहाँ पर जब पोजीशनिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर हम बात करेंगे 4LGST फोर लेग स्टीरअप, क्लियर है गाइज, और जो स्टीरअप में हमारा बार यूज़ होता है वो होता है 8 mm डाया का, क्लियर। तो गाइज यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझने के बाद जब हम बात करते हैं कि कॉलम की कटिंग लेंथ किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरह से निकाल सकते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले हमको क्या ऐड करना होगा, सबसे पहले हमें इसका लेग एल ऐड करना होगा यहाँ पर, जो इसका डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं हम इसे, और जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो रहती है 300 mm, ये जो डेवलपमेंट LD जो यहाँ पर दिख रहा है आपको डेवलपमेंट जो कॉलम का निकला हुआ है इसकी जो लेंथ होती है वो 300 mm। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि हमारे पास बार अवेलेबल है 12 मीटर है ना, तो कॉलम के लिए जो सबसे
अच्छा स्पेसिफिकेशन होता है कि उसको हम किन किन अलग अलग शेप्स में कटवाएं, तो वो रहता है 5.5 मीटर और 6.5 मीटर के केस में हम बाहर को बहुत आसानी से कटवा सकते हैं। उसके बाद इसको लगाना होता है। अब ये अलग अलग डायमेंशंस में क्यों कटवाना है, सबसे पहली बात तो जैसे आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ ऊपर देखिए आप, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगल बगल बाजू वाले कॉलम पे भी आप देख सकते हैं बार अलग अलग ऊपर ऊपर नीचे अलग अलग डिस्टेंस पर कटा हुआ है। वो इसी वजह से कटा हुआ है क्योंकि जो हमारा कॉलम का फ्रेम है ना, वो वन टाइम में जितना भी लंबा बिल्डिंग है, चाहे वो वन स्टोरी हो, चाहे टू स्टोरी हो, चाहे थ्री स्टोरी हो, एक ही बार में वो पूरे कॉलम का फ्रेम ऊपर तक नहीं जाता है। कॉलम ही सिर्फ एक ऐसा मेंबर है हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो स्टेज वाइज कास्ट होता है, स्टेज वाइज इसका कंस्ट्रक्शन होता है, जो कि अलग अलग लेवल्स में जाता है। इसी वजह से जो इसका फर्स्ट स्टेज है, यहाँ आप देख सकते हैं प्लिंथ लेवल के ऊपर तक, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं प्लिंथ लेवल के ऊपर तक गया हुआ है। क्लियर, प्लिंथ लेवल के ऊपर तक गया हुआ है हमारा प्रॉपरली। तो प्लिंथ लेवल के ऊपर तक जाने से इसका क्या होगा, जो इसका लैपिंग जोन है, इसका जो लैपिंग जोन है वो हमारा इसके, जब हम बात करते हैं इसका पोजीशन की, जहाँ पर ये बीम से आके मिलेगा, चाहे वो ग्राउंड बीम हो चाहे प्लिंथ बीम हो, लैपिंग जोन उसके ऊपर निकलेगा। इसी वजह से इसको ऊपर तक ले जाएगा और अल्टरनेट काटा गया ताकि लैप एक ही जगह पर लैप नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर वो एक ही जगह पर लैप आएंगे तो इससे क्या होगा, जब कॉलम पर अगर बकलिंग या कंप्रेशन के वजह से फेलियर होगा तो उसके वजह से सारे के सारे लैप एक ही जगह से फेल हो जाएंगे। इसी वजह से वो फेलियर को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जब कॉलम को अलग अलग लैपिंग जोन्स पे काटते हैं, अलग अलग डिस्टेंस में काटते हैं, और जो नियर अराउंड जो हमको डिस्टेंस मेंटेन करना होता है, जो डिस्टेंस बचाना होता है दोनों लैप के बीच में, वो रहता है 1 मीटर। क्योंकि 5.5 और 6.5 मीटर पर जब हमारी 12 मीटर की बार कटवाएंगे तो गाइज ऑब्वियसली 1 मीटर का हमारे पास उसमें स्पेसिंग और गैपिंग बचता है। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऊपर जाकर छूटता है, जैसे अभी हम हमारे एक्सकेवेशन पार्ट में थे, अभी हम आ चुके हैं हमारे ग्राउंड लेवल पर। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ग्राउंड बीम आके लगा हुआ है ये हमारे कॉलम पर, और ये जो ग्राउंड बीम है ये सपोर्ट, ये हमारा जंक्शन पार्ट हो गया। क्लियर गाइज, ये हमारा जंक्शन पार्ट हो गया जहाँ पर कॉलम और बीम आकर मिल रहा है। इस जंक्शन पार्ट से लैपिंग हमेशा, जो हम बात करते हैं कि कॉलम में लैप कहाँ आना चाहिए, वो आना चाहिए हमेशा सेंट्रल पार्ट पर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जंक्शंस पर लैप नहीं आया है, जंक्शंस तक बार आके नहीं छूटे। जंक्शन से L बाय 4 डिस्टेंस, L क्या होता है, इस जंक्शन से लेकर जो हमारा स्लैब बीम है, जो स्लैब है उसके बीच तक का जो कॉलम का स्पान होता है टोटल, जैसे मान लेते हैं जो हमारा 3 मीटर का स्पान है, तो L बाय 4 3000 बाय 4 जो हमारा टोटल रहेगा mm में, जो 3000 बाय 4 के डिस्टेंस पर हमारा ये बार आकर छूटेगा L बाय 4 तक, इसका लैपिंग जोन आना चाहिए और ये हमेशा अलग अलग कटा होना चाहिए। अब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारे टोटल 8 नंबर ऑफ बार्स लग रहे हैं हमारे कॉलम में, तो 8 नंबर ऑफ बार्स में देखिए 4 बार्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक आकर कटे हुए हैं और बाकी 4 बार उसके थोड़ा कुछ डिस्टेंस ऊपर निकाला। ये डिस्टेंस कितना होगा, 1 मीटर नियर अराउंड इसका डिस्टेंस होगा दोनों के लैप जोन में। क्लियर, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लैपिंग अल्टरनेट कटी हुई है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि 4 बार अलग कटना है तो ये चारों के चारों एक अलग डिस्टेंस पर कट गए और ये चारों ऊपर निकल गए। यहाँ पर देख सकते हैं आप ये भी अल्टरनेट है ना, ये भी अल्टरनेट लैपिंग है ताकि जो हम फेलियर की बात किए वो प्रॉपरली इसको कोई भी फर्क ना पहुंचा पाए और ये प्रॉपरली कॉलम का बात कर पाए। क्लियर, तो इसमें जो कॉलम के केस में क्या हमारा जो कॉन्सेप्ट हो गया लैपिंग का, कि लैपिंग हमेशा इसके सेंट्रल पार्ट पर आता है, जंक्शंस पे कभी नहीं आएगा लैपिंग। क्लियर, अब आगे चलते हैं हम बीम के पार्ट में, और बीम के केस में सारी चीज़ें देखते हैं।